एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान वर्ल्ड कप स्पेशल वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब और पाकिस्तान के मायानास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सोहेब अलवी साहब। मोइन खान साहब, एक और मैच जहां मैच ना हो सका और बारिश का राज रहा और बारिश जो है वो बेसिकली ज़्यादा हो रही है और मैचेस कम हो रहे हैं। सो मोइन खान साहब, एक एक पॉइंट मिला इंडिया और न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड के 7 पॉइंट्स हो गए और इंडिया के 5 पॉइंट्स हो गए। सो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान के मैच में बारिश हो जाती ताकि हम 4 पॉइंट्स पे आ जाते, लेकिन बट यू नो हाउ डू यू सी, कैसा आपको लगता है कि ये मैचेस इस तरह वेस्ट होना वर्ल्ड कप को कितना इम्पैक्ट करता है? वेल ऑफ कोर्स बीइंग अ क्रिकेटर किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि मैच में बारिश हो जाए। हर पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर सी बात है लॉसेज है, चाहे वो टीम्स हैं, टीम्स को तो बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप इज़ दी अल्टीमेट ऑफ दिस फॉर्मेट द टूर्नामेंट, यू नो कि 4 साल वेट होता है इसका, 4 साल प्रिपरेशन होती है इसकी, और जब वक्त आए और तो बारिशें हो जाएँ और पॉइंट्स टेबल पर जो है वो टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाए बगैर क्रिकेट हुए। शायकीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि लोगों ने पता नहीं कब कब से वर्ल्ड कप के टिकट्स खरीद के बैठे हैं, अपनी प्लानिंग की हुई है, यू नो तो सबके प्लान्स ख़राब हो जाते हैं। और अगर कमर्शियल एस्पेक्ट देखें तो ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको मैच ही नहीं होता तो वो जो माइलेज स्पॉन्सर्स को मिलनी होती है वो भी नहीं मिलती। तो जो भी इस ट्रेड से रिलेट होता है सबको ही प्रॉब्लम आती है, यू नो। और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा नुकसान वो क्रिकेट नहीं होती, अच्छी क्रिकेट जो लोग पता नहीं कब से बैठे हुए, वो लोग तो चंद हैं जो मैं कहता हूँ ग्राउंड पे, बट जो लोग वेट कर रहे होते हैं टीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं उनके लिए भी बड़ी अफसोसनाक खबर होती है। और वो अपना नेचुरली बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे रख के वो ये मैचेस के लिए बैठे होते हैं कि वर्ल्ड कप हो रहा है, यू नो। सो सबके लिए ही आई थिंक एक सेटबैक है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट यू कांट कंट्रोल द वेदर, यू नो। सो इट्स आई मीन इन इंग्लैंड किसी वक्त भी बारिश हो जाती है, यू नेवर नो। और ये जो टूर्नामेंट है मुंबई, लेकिन लोग कहते हैं कि जून का मौसम जो है वहाँ पे बारिश में साउथ साइड ऑफ द इंग्लैंड में बारिश ज़्यादा होती है। डू यू थिंक कि थोड़ा सा डॉट रियली ओनस जाना चाहिए आईसीसी पे? ये ऐसा नहीं हो सकता। देखें आईसीसी ने पहली बात ये है कि जानते बूझते ये चीज़ तो नहीं किया होगा, ठीक है। ये टूर्नामेंट बहुत अरसे पहले ऑर्गेनाइज, जो शेड्यूल भी फाइनलाइज हो जाते हैं ये बहुत अरसे पहले, कम अज़ कम 6-6 महीने पहले हो जाते हैं ये शेड्यूल बन जाते हैं, यू नो। बट 6 महीने पहले आप ये देखें कि आप प्रेडिक्शन हो रही है, आई डोंट नो साइंस क्या कहती है, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट और इवन लाइक फवाद साहब, तो मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना। मेरा ख्याल है कि मैं इस पे यकीन करूँगा कि 6 महीने के बाद की जो है प्रेडिक्शन वो 100% होगी, बड़ा मुश्किल होता है। और ये तमाम चीज़ें स्केड्यूल जो बनते हैं ये जाहिर सी बात है ये बहुत वैलेंटाइन बन जाते हैं, क्योंकि हर एक टीम की, हर एक जितने भी इस टूर्नामेंट से मुंसलिक होते हैं सबको अपनी अपनी प्लानिंग करनी होती है, ब्रॉडकास्टर को अपनी प्लानिंग करती है, यू नो। तो ये मेरा ख्याल है कि एक सेटबैक कहूँगा मैं इसको, क्योंकि पहले कभी कोई हिस्ट्री नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, इंग्लैंड में काफ़ी दफ़ा टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, यू नो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। अब लोगों का ये कह देना या बात कर देना कि यार पता था, प्रेडिक्शंस थी, उसके बावजूद मैच रखा, यू नो। सो इट्स ऑल आई कंसिडर इट बस ऐसी फजूल बातें हैं और जस्ट सेक फॉर द क्रिटिसिज्म लोग क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। सो सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी जो है, जो अभी तक मौसम की फोकास्ट आ रही है उसके हिसाब से वो शायद बारिश ही नजर हो सकता है, आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? और अगर ये खुदा ना खास्ता होता है, मोइन ने कहा अभी भी 2 दिन है और इंग्लैंड का वेदर जो है ओवरनाइट भी चेंज हो जाता है। पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो भी एक दिन पहले तक 70% चांस ऑफ रेन थी, लेकिन पूरे दिन बारिश नहीं हुई और बल्कि बीच में तो सूरज भी निकल आया। और अच्छा, अगेन weather.com कुछ और कह रहा था, बीबीसी ने 2 दिन पहले कह दिया था कि उस दिन सनी होगा, तो सब लोग हंस रहे थे कि बीबीसी का वेदर गलत होगा, बीबीसी का ही वेदर सही निकला, सही। बाकी सबका गलत निकला जो इतनी आपकी स्पेशलिस्ट वेबसाइट्स हैं। और रह गया वही जो मोइन ने बात की कि देखें जून जो है ना उसमें 2 मिलीमीटर बारिश हुई थी लास्ट ईयर और हीट वेव तक आई थी, तो एक साल पहले जून जो था वो ये था। और जो उनके पूरे 12 महीने की उन्होंने एवरेज रेनफॉल निकाली है, जून में सबसे कम होती है। और अगेन जैसे 75, 79, 83 का वर्ल्ड कप या 99, वो तो जून से ही शुरू हुआ था, 99 वाला 15 मई से शुरू हुआ था, खाली एक वॉश आउट था। तो इसलिए आई थिंक इट्स अनयूजुअल,
और बस आई जस्ट होप, मैंने भी पूरा शेड्यूल गौर से नहीं देखा है कि आई होप कि अब फर्दर मैचेस साउथ वेस्ट में ना हो, बिकॉज वहाँ फ्लैश फ्लड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ वो कह रहे हैं अब इतनी बारिश आने वाली floods है, अलर्ट चल फ्लड अलर्ट चल रहा है, सो वो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड बट अगेन एज मोइन, वो अभी चार मैच खेल के, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ चार मैच खेले हैं, पाकिस्तान ने भी चार मैच खेले हैं इनफैक्ट, और न्यूजीलैंड ने चार मैच खेल के 7 points पे, डू यू थिंक दे विल बी हैप्पी कि एक पॉइंट तो मिल गया, और या आपको लगता है कि वो भी चाहते होंगे कि बिकॉज आपको भी वो फेवरेट लग रहे थे कि मैच होता? मुझे तो अच्छा लग रहा था, न्यूजीलैंड फॉर्म में है, हाँ नजर आ रहा था, इंडिया भी नेचुरली अच्छा खेल रही है, यू नो एक अच्छा मैच होना था, डिसअपॉइंटिंग, प्लेयर्स कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते यार, चलो यू नो एक पॉइंट, अगर मैच आपका अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है तो अफगानिस्तान वाले जरूर कुछ हो सकते हैं कि यार एक पॉइंट मिल गया, यू नो कि हमने हारने से बेहतर एक पॉइंट मिल गया, यू नो सो, बट अदरवाइज इफ यू कंपेयर इंडिया एंड न्यूजीलैंड लाइक दे आर बोथ अच्छी कॉम्पिटेटिव टीम है, टॉप फोर में इस वक्त खड़ी हुई दोनों टीमें, यू नो एब्सोल्युटली, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यही होता कि मैच खेलते नेचुरली आने वाले मैचेस के अंदर, क्योंकि एक एक मैच है सबका लीग मैचेस के अंदर, यू नो व्हेन यू गो इन द नॉकआउट, तो नॉकआउट में थोड़ा बहुत एज मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, आप किसी टीम के खिलाफ जीते हुए हो तो एक मॉरल ऑलरेडी हाई होता है आपका, यू नो तो आप मैच ही ना हो और देन अगेन आप नॉकआउट में जाके एकदम मैच खेलते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि प्रेशर बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, हमारे व्यूअर्स जो है वो पॉइंट टेबल का को देख सकते हैं स्क्रीन पे, और न्यूजीलैंड जैसे हमने कहा कि वो टॉप पे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर इंग्लैंड है, एंड दीज आर द 4 teams जिनके बारे में बहुत बात की जा रही है कि यही टॉप 4 में क्लोज करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इवेंचुअली कहाँ फॉल करेगा इज हैज टू बी सीन। इंडिया के वैसे 5 points हैं, इंडिया के 5 points है, लेकिन वो 2 wins हैं और एक टॉप 4 में, उसमें बिल्कुल सही 3 matches खेले हैं, 5 points हैं, सो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंग्लैंड आर इन द टॉप 4, और पाकिस्तान जो है वो अभी वेस्ट इंडीज से भी नीचे, बिकॉज हमारा नेट रन रेट बहुत कम है। स्वीप साहब, इंडिया किस तरह, मोइन भाई ने बताया कि न्यूजीलैंड किस तरह इस मैच को देख रहा होगा, बिकॉज प्लेयर्स ऑलवेज वांट टू हैव अ गेम, और ये एक इवन स्टीवंस गेम होने जा रहा था, बिकॉज इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ही कंपेटिटिव टीम्स हैं, न्यूजीलैंड इसको या इंडिया इसको कैसे देख रहा होगा, दोनों टीम किस तरह देख रहे होंगे? इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 teams हैं जो इस वक्त टॉप 4 में नजर आ रही है। अगर इनका आपस का मैच वॉश आउट होता है तो इतना प्रॉब्लम इनको नहीं होता, हाँ इंडिया का अफगानिस्तान से वॉश आउट हो जाए तो 2 के बजाय 1 point मिल गया, वो गलत बात है, लेकिन अगर टॉप टीम्स आपस में खेल रही हैं उसमें बारिश हो जाए तो जहाँ वैसे ही 50-50 चांस था, 1-1 point मिल गया, उस पर प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सबके पॉइंट्स जो हैं वो आगे देखे जाएंगे। और लेकिन ये मैं तुम्हें बताऊँ कि आई टॉक टू अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स के जब बारिश होती है तो क्या होता है, हर एक कहता है यार अगर हारने के भी चांस हो फिर भी हम खेलना चाहते हैं, एक तो ये है कि कभी भी कुछ हो सकता है, दूसरा ये है कि रिदम में आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के मैच में मैंने देखा, मे बी वन ऑफ द रीजंस वाज के बहाब और ये जो थे दूसरे बॉलर्स हसन वगैरह, ये 8 दिन से नहीं खेले थे, ये 7 दिन, अब एकदम से आप उतर जाते हैं वो भी इतने कंपेटिटिव मैच में, तो प्रॉब्लम ये होता है बैठे बैठे वो यू नो स्टिलनेस आ जाती है, रस्ट हो जाता है, अब जितनी भी नेट प्रैक्टिस कर लो तो जितनी भी आप ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर ले, तो आई थिंक ऑल टीम्स वॉन्ट के खेलें, और सबका ये होता है एटलीस्ट इंडिविजुअली कि यार अगर मैं तगड़ी टीम के खिलाफ कुछ कर गया तो मेरे चांस 1 साल के लिए बेहतर हो गए फॉर माय कंट्री, सो आई थिंक प्लेयर्स एक्चुअली वांट टू प्ले, तो इंडिया को भी अफसोस तो हुआ होगा, प्लेयर्स वांट टू प्ले और व्यूअर्स जो है वो चाहते हैं कि वो मैचेस देखें, अनलेस के पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारता हुआ नहीं देखना चाहते। सो हम अभी देखेंगे फॉल ऑफ विकेट्स विच आर ब्रॉट टू यू बाय ऑलपर्स, उसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम अपनी डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे और ये बात करेंगे जरूर कि ये जो बारिशें हैं वो कितना डैमेज करें वर्ल्ड कप को, लेकिन अभी देखते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच, जो एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता था वो ना हो सका बिकॉज ऑफ द रेन, और बारिश जो है वो हावी रही है पूरे वर्ल्ड कप पे। मोइन खान साहब, कितना कैसे, जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया हमें कि प्लेयर्स चाहते हैं मैचेस खेलना, लेकिन इन मैचेस का ना होना, जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे रिदम में था, इंग्लैंड जैसी टीम को हराया हुआ था लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, सो डू यू थिंक के ये मैचेस का गैप ज़्यादा आना प्लेयर्स को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है कि वो एक अच्छे रिदम में होते हैं फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है? नेचुरली रिदम आपका टूटता है इस चीज़ से, ऑफ कोर्स कि आपको मैच प्रैक्टिस ना मिले और मैच में ही रिदम आता है, बेसिकली आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें विदाउट प्लेइंग अ मैच तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है, बट जो मैच प्रैक्टिस है वो मैच प्रैक्टिस है, वो मैच खेल के ही आती है, सही बात, सिचुएशंस का आपको पता लगता है और उस जगह पे देन एंड देयर आपको डिसीजन लेना होता है, यू नो कंडीशंस को अडॉप्ट करना होता है, ऑपोजिशन को देखना होता है किस वक्त कौन किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, यू नो
कौन किस तरह की बैटिंग कर रहा है, क्या फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, किसको कब ओवर कराना चाहिए, यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑफ कोर्स मैच होता है तो जाहिर सी बात है टीमों का रिदम आता है और रिदम आएगा तो ही टीमें क्लिक करती हैं। बट इसके साथ साथ अगर मैच नहीं हो रहा देन यू हैव टू बी प्रिपेयर, यू नो यू आर बाउंड टू परफॉर्म वेल, यू आर प्रोफेशनल, ये आपका काम है अपने आप को लिफ्ट रखना, यू नो और सीनियर प्लेयर्स के साथ साथ कप्तान के साथ साथ टीम कोच का, टीम मैनेजर का ये काम है कि अपनी टीम को इन्वॉल्व रखे। जो भी मोस्टली डिस्कशंस हो, क्रिकेट डिस्कशंस हो, फ्यूचर में आने वाले मैचेस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कशन हो, प्लेयर्स इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन हो। अभी स्वयं भाई बात कर रहे थे ऑफ कैमरा के बारिश हो जाती तो नेचुरली एक टाइम मिलता है लोगों को हंसी मजाक करने का। मैं ये सोच रहा था कि जैसे 96 का टूर था इंग्लैंड में, 99 का वर्ल्ड कप था, तो इंग्लैंड में और श्रीलंका दो जगह होती है जहाँ बारिश काफी हो जाती है। सो हाउ डू यू पीपल स्पेंड द डे और एक दूसरे को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, क्या होता है? विक्टोरिया का मैच याद होगा आपको जिस वक्त वसीम भाई दोबारा टूर पे आए थे, राशिद वाज द कैप्टन। हां 1998 का टूर था साउथ अफ्रीका, विक्टोरिया में हम खेल रहे थे, बड़ा अच्छा मैच हमारा स्टार्ट हुआ और अचानक बारिश हो गई, पूरा दिन बारिश हो गई। हम अच्छी पोजीशन में नहीं थे उस वक्त और जब बारिश हुई तो वी वर रिलैक्स कि यार बारिश हो गई तो मैच नहीं होगा, बच जाएंगे जो भी टाइम बचा है, जो बचा हुआ टाइम तो उसमें पूरी टीम आउट हो गई, वी वर सो रिलैक्स। बिल्कुल हकीकत है और गलती होती है, इंसान को एडमिट करनी चाहिए, यही वो चीज़ें होती है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप सीखते हैं, यू नो जब फोकस हटता है, जो भी मैंने बात की है कि आप ज़रूर बारिश तो ज़रूर हो रही बट आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, आप जिस मकसद के लिए आए वो मकसद पूरा करने के बाद उसके बाद जो तफरी मर्जी करें, यू नो वंस यू आर एट द ग्राउंड देन यू शुड टॉक अबाउट the opposition, talk about the match, opponents, every individual strategy के क्या होनी चाहिए, यार मैच हो जाएगा इतने ओवर का मैच रह गया, इतने ओवर का अब इतने ओवर का रह गया मैच, तो स्ट्रैटेजी यू नो आपको पता होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ कितने ओवर डिडक्ट हो रहे हैं, यू नो। सो तफरी अपनी जगह, तफरी तो होती है, हमेशा होती है तफरी के लिए। वैसे कैरेक्टर सबसे मजेदार कैरेक्टर कौन सा रहा है टूर पे? टूर पे स्पेशली जब बारिश हो जाए तो कौन एंटरटेन करता रहता है? एंटरटेनमेंट में सारे माशाल्लाह हमारे ग्रुप में बड़ा अच्छा लड़के रहे, उसमें मुशी बहुत ही बबली किस्म के इंसान है, मेरे को वसीम भाई बड़े विटी रहे, इंजमाम का बड़ा ही डिस्कशन हमेशा ह्यूमरस होता है और वो जिस तरह वो शुरू करते हैं और जो फिनिश करते हैं बड़ा गौर से उनकी बातों को सुनना पड़ता है, यू नो। सो बड़ी मज़ेदार डिस्कशन होती हैं। इसी तरह एट टाइम्स विकी भी बड़े ही एजाज भाई सबसे ज़्यादा अच्छा हमारे टाइम में बिल्कुल, और जब ऐसी गेट टुगेदर्स होती तो जाहिर सी बात है जोक्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, जल्द डिस्कशन हो। अच्छा इमरान ने एक चीज रखी थी 1992 वर्ल्ड कप में स्पेशली और एक दो और टूर्स पे कि वो मरहूम नुसरत फतेह अली खान को की गैदरिंग कराता था और वो कहते थे मुझे एक दफा बताया था कि यार मैं इसलिए भी और भी कराता था कि लड़के जो है यही होटल के अंदर ही एंटरटेन रहे, ज्यादा इधर उधर ना फिरे रात को, तो उस तरह की भी गैदरिंग हुई है। मुझे याद है कि 91 में बिफोर वर्ल्ड कप हम फैसलाबाद में थे तो इनफैक्ट नुसरत फतेह खिलाफ मरूम साहब ने जो है अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्होंने घर पे बुलाया था, पूरी टीम इकट्ठा हुई थी, तो अक्सर कोशिश यही होती थी और जो अक्सर वो जो ग्रुप्स की बातें होती थी, वसीम का ग्रुप बना हुआ है, वकार का ग्रुप बना हुआ है, टीम का तो ऐसी कोई बात नहीं, सोएब कभी भी नहीं रही। लोगों की अजम्पशन थी, कभी कभी मीडिया का गलत एंगल दे देना था किसी चीज़ को, बट मोस्टली लड़के साथ होते थे और यही चीज सिखाई गई थी सीनियर की तरफ से, ये जितने साथ रहेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और मुझे याद है 2003 का वर्ल्ड कप, क्योंकि मैं भी कवर करने गया हुआ था, उसमें दो तीन दफा ये हुआ कि सोर्सेज ने बताया कि यार रात को वसीम वकार जो है ना ये दोनों भाई अलग गए थे डिनर खाने, बिकॉज दे वर द सीनियर मोस्ट, सो दे वांटेड टू एंड वकार वाज द कैप्टन, तो वसीम वाज एडवाइजिंग। और एक दफा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे यही हुआ था कि यार वो यावर सही साहब मरूम, उनसे पूछा मैंने कि यार मुझे वो बात करना है, सिडनी में थे हम, वसीम वकार कहता वो दोनों तो निकल गए, वो दोनों तो जरा सीरीज जीते हैं, आज 2-1 जीते थे हम वो ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज, तो वो दोनों निकल गए, तो यू सी दोनों साथ भी जाते थे। सही बात, जबकि ये होता था जैसे इन्होंने कहा वसीम का कैम वकार का कैम, ऐसा नहीं था, इट वॉज ऑन फील्ड राइवलरी। और जैसे मोइन भाई ने बताया कि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड पे कंपेटिटिव होते थे और ऑफ ग्राउंड जो हेल्दी कंपटीशन, इट वाज अ हेल्दी कभी डिसएग्रीमेंट होता था ऑन स्ट्रेटजी ऑन व्हाटएवर अप्रोच, हमने ड्रेसिंग रूम में या ड्रेसिंग रूम के बाहर कभी दोनों को लड़ते हुए नहीं देखा कभी भी। ठीक है वकार ने कभी पीछे कोई ऐसी बात कर दी यू नो जो उसको फीलिंग हो शेयर करना होता है बेसिकली आपका, यू नो इसी तरह वसीम भाई ने कभी, बट जब वो फील्ड में आते थे बड़ी हेल्दी कंपटीशन, तीन बकार आउट कर रहे हैं, पांच बकार आउट कर, तो वसीम भाई भी जान मार रहे हैं, यू नो। सही बात। इसी तरह मेरे राशिद का भी था कि जो भी खेलता था यार उसे पता था एक ने खेलना है, यू नो, तो फिर आप एक्स्ट्रा जान मारते हो, यू नो।
तो वो इवेंचुअली क्या होता था, पाकिस्तान के लिए बहुत बेटर हो जाता था, यू नो, और हेल्दी कॉम्पिटिशन भी होता था विद इन द टीम. और जब ग्रुप में आप लड़कों के साथ ट्रैवल करते हैं, साथ रहते हैं, उठते बैठते, तो आपके अंदर वैसी कॉम्पिटिशन पैदा हो जाता है. यार आप टॉप प्लेयर्स के साथ बैठ रहे हो, यू नो, देन यू हैव टू फेस देम इन द इवनिंग, यू नो, देन फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म इन द ग्राउंड, यू नो. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी. और अभी वेरी अनफॉर्चुनेट लास्ट 10 ईयर से जरा एटमॉस्फेयर, जब मैं भी गया हूँ तो कोशिश की थी उसको दोबारा रिवाइव करने की. लड़के घूमे फिरे, साथ जाए, ग्रुप्स में जाए, खेले कूदे, लाए, मेरा मतलब ऑफ फील्ड भी निकले, डिफरेंट किस्म के खाने होते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज मैंने देखी कि भाई टूर्नामेंट खेलने गए हुए आप और उसके बाद जब वापस ग्राउंड में आ रहे हैं तो दोस्तों को फोन, यार खाना ले आओ, कमरे में ले आओ, कमरे में खाएंगे. ये मैंने देखा है 6-7 लोग जो हैं वो बैठ के अपने कमरे में फर्शी नशिस्त होती थी, लोकल्स जो हैं वो खाना भेजते थे. बिल्कुल सही, हलाल भी होता था. हमें एक ब्रेक पे जाना है. वैसे तो बारिश हर चीज को धो रही है, लेकिन एरियल धो डाल मोमेंट्स देखते हैं. वो मोमेंट्स देखते हुए हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे. मुइन भाई से ये जरूर जानेंगे कि कल के मैच में पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया से हारा है उसमें वो कौन से मोमेंट्स हैं जहाँ पे मुइन भाई को ऐसा लगता है और शोएब साहब को ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान अगर बेहतर थोड़ा करता तो शायद पाकिस्तान वो मैच जीत जाता. तो एरियल धो डाल मोमेंट्स देखते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आकर डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं. खुश आमदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान साहब, वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल. सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि फोर्स विच आर ब्रॉट टू यू बाय टैंग, दीज फोर्स आर फ्रॉम वन ऑफ द मैचेस ऑफ यू नो नॉट टुडे, बिकॉज आज का मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया. उससे पहले के जो मैचेस हैं उसमें मनरो के जो चौके हैं वो देखते हैं, एंड दीज आर ब्रॉट टू यू बाय टैंग. उसके आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया. तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पाकिस्तान बेहतर करता, जैसे फील्डिंग है, जैसे आसिफ अली और शोएब मलिक की बैटिंग है, जैसे सरफराज का वो सिंगल लेना है. दीज आर द डिफरेंट मोमेंट्स जो कल से डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है. जिसके साथ भी जाओ वो ये बोलता है यार सरफराज ने वो सिंगल क्यों ले लिया. देखिए टीमें जब भी हारती हैं तो मोस्टली प्रॉब्लम यही आता है कि जो आपकी प्लान्स होते हैं उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होती. उसकी एग्जीक्यूशन इसलिए अच्छी नहीं होती कि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, डबल माइंडेड होते हैं आप कि होगा या नहीं होगा, यू नो. सो जब आप डिटरमिंड होते हैं तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं और आपको पता हो कि यार मैंने ही करना है. जब अपने ऊपर इंसान लेता है, जब हर इंडिविजुअल टीम के अंदर ये सोचेगा कि मैंने जिताना है मैच, सही बात, तो देन उसमें से 3-4 परफॉर्म करके आपको जिता देते हैं. सारे नहीं जिताते, बट जब आपकी बारी आती है टेस्ट देने की उस ग्राउंड के अंदर, तो आपका जो बॉडी का मूवमेंट्स होती हैं उससे कोई भी क्रिकेटर आराम से जज कर लेता है कि वॉज ही देयर और नॉट, यू नो. सो इन दोनों बैट्समैनों को मैंने देखा कि ही वॉज नॉट देयर. इवन सरफराज से जो गलती हुई, जो शाहीन को आगे कर दिया, आई थिंक मे बी उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ दैट, यू नो, कि सिंगल हो जाएगा, लू नहीं लू, या प्लान नहीं किया था. अगर उन्होंने प्लान किया हुआ होता या वो उस वक्त अलर्ट होते या उनका माइंड वहीं पे होता मौजूद, तो यकीनन देखें उस वक्त मैच फंस गया था, 9 विकेटें आउट हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा बाय हिज फेस वो शैटर्ड हो गए थे, वो एक्सेप्ट कर ली थी उन्होंने कि हम हार गए मैच, क्या हम हार गए. होना नहीं चाहिए, कप्तान को तो आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए, ठीक है ना. तो इसी तरह जो बाकी प्लेयर्स ने एफर्ट किया, जो फील्डर्स की एंटिसिपेशन थी यार कैच आ रहा है छूट ना जाए, वाई, अगर आप जहन में होगा तो छूटेगा. सही बात, मैंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच करना है, ये पॉजिटिव सोच है. नो मैटर व्हाट, एक ऐसा कैच करूंगा मैं पूरे मैच में, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है भाई. 300 बॉलें होती, 300 बॉलों पे एज ए फील्डर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है. वो कहते हैं कि फील्डर को एंटिसिपेट करना चाहिए कि हर बॉल उसके पास आएगी. ऑफ कोर्स ऐसे ही है, वो 11 के 11 चाहे बॉलर गेंद कर रहा हो उसको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मेरे पास कॉटन बॉल लाएगा यार. सही बात, मैं बॉल तो कर दिया, अगर सामने से कुछ नहीं होता बॉलर बैक मार देता है, बॉलर बैक, और आप देखें कि कॉटन बॉल छूटते क्यों है, छूटते बिकॉज व्हेन यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई कैच मेरी तरफ आ सकता है, आप रेडी नहीं होते ना उसके लिए. सही बात, सो इट्स अ गेम ऑफ मेंटल अलर्टनेस कि आप अलर्ट हो. एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, वो जब तक नहीं होगी प्लेयर्स की, इट क्लियरली शोज कि यू नॉट देयर. प्लान जरूर माइंड में होंगे लेकिन डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे डिफरेंट चीज़ों के साथ, डबल माइंडेड होते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन इसलिए अच्छी नहीं होती. बिल्कुल सही. सोएब भाई हम क्विकली जाएंगे कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मैच में कल क्या होने वाला है, लेकिन अगर आपसे चाहूँ जानना कि क्या वो चीज़ें जो पाकिस्तान इंप्रूव करना चाहेगा अगले गेम में और वो गलतियाँ दोबारा ना हो तो वो क्या होंगी. वो ये है कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने लीडिंग बैट्समैन, फखर हो गया, इमाम हो गया, बाबर हो गया, एंड मे बी हफीज़ और मे बी दीस थ्री, इनसे आपने ये बताना है कि भाई आपने मैच जिताना है.
ठीक है ना, वी आर डिपेंडिंग ऑन यू, यू आर द टॉप थ्री, यू आर द बेस्ट बैट्समैन. तो अगर आपने 50 कर लिए तो आपने 100 करना है, 100 कर लिए तो 150 करना है. वेरी, और मैच फिनिश करके आना है आपने. और इमाम का जो वो आउट होना है वो बार बार दिमाग में आता है कि यार इतना अच्छा निक में हो के आप आउट हो जाते हैं. ये तीन का नाम लिया कि इन तीनों ने लास्ट टाइम यही किया. बिल्कुल सही. तो इनको बस ये कहना पड़ेगा कि यू हैव टू फिनिश द मैच. बिल्कुल सही. नाउ वी आर कमिंग टू द टुमारोज गेम, और वो है बड़ा गेम बिकॉज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच है. इंग्लैंड वो टीम है जिसको पाकिस्तान ने हराया है, और वेस्ट इंडीज वो टीम है जिसको जिसे पाकिस्तान हारा है. और इंग्लैंड वो टीम है जो टॉप फोर में आने के लिए फेवरेट है, और वेस्ट इंडीज वो टीम है जो शायद इतनी फेवरेट नहीं है. मुंबई, लेकिन आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो? वेल, बारिश के अलावा, बारिश के अलावा आई थिंक इंग्लैंड नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग टीम है, स्ट्रांग टीम है, बट अपसेट हो सकता है. अपसेट हो सकता है क्योंकि इन कंडीशन में जो मौसम चल रहा है, आई डोंट नो कि साउथहैम्पटन पे क्या फोरकास्ट है. रीजनेबली ओवरकास्ट है लेकिन बारिश का चांस नहीं. ओवरकास्ट में जो भी टॉस जीतेगा नेचुरली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि गेंद में मूवमेंट मिलती है आपको ऑफ द पिच, इन द एयर आपको मूवमेंट मिलती है, और अगर पिच पे ग्रास हुई तो ऑफ द पिच भी आपको मूवमेंट मिलने का चांस है. बिल्कुल, थोड़ा सा टॉस मैटर करेगा. और इस सिचुएशन में वेस्ट इंडीज टॉस जीत जाता है तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज के पास ज्यादा चांस है. सो भाई, क्विकली व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टुमारोज गेम? कौन सी टीम इंग्लैंड विल विन? दे आर फार मोर प्रोफेशनल, दे हैव प्लेड दीस. और सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट होगा अगर जॉफ्रा आर्चर खेला, बिकॉज ही इज बेसिकली वेस्ट इंडियन जमैकन, और चार साल पहले सबने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग वेस्ट इंडीज की अंडर 19 साइड में खेल चुका है. बिल्कुल, और जब उसको दो तीन साल चांस नहीं मिला तो माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, और वहां पे इंग्लैंड ने उसको दो साल के अंदर ग्रूम करके उठा लिया. तो इट्स गोइंग टू बी अ बैटल के लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स अगेंस्ट हिज ओन टीम, बिकॉज़ वो भी चैलेंज लेके आएगा प्रूफ करने के लिए कि यू डिडंट सेलेक्ट मी, नाउ लेट अब देखो कि मैं कितना अच्छा हूं. एंड दिस इज द प्लेयर हु हैज रिप्रेजेंटेड वेस्ट इंडीज इन द अंडर 19. सो उम्मीद है कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुइन भाई का और सोहेब अलवी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे. उम्मीद करते हैं कि कल का मैच हो और अच्छा मैच हो, ताकि हम मैच पे बात कर सके राधे दिन के मैच जो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया. सो वी होप दैट टुमारोज गेम इज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैपेंस और